चलिए तो नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेलमिंथेस। पहले मैं फाइलम का जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फाइलम का मतलब है क्या, आई मीन ये नाम का मतलब है क्या, और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया, और इस नाम के पीछे क्या राज है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, नाम है जी प्लेटीहेलमिंथेस, लिख दो प्लेटीहेलमिंथेस। ठीक है, ऐसे याद रखिए। देखो, हेलमेंटिस एक वर्ड है और प्लेटी एक वर्ड है, राइट। जब मैं बोलू प्लेटी, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर से भी चपटा है और नीचे से भी चपटा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक पेज लेता हूं, ठीक है। तो ये जो पेज है ये ऊपर से भी फ्लैट है और ये पेज नीचे से भी फ्लैट है। आई कैन कॉल इट एज डॉर्सली एज वेल एज वेंट्रली, दोनों भी साइड से, डॉर्सली एज वेल एज वेंट्रली, बायोलॉजिकल टर्म है डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है। सो डॉर्सली एज वेल एज वेंट्रली बोथ द साइड इज फ्लैटन, और यू कैन से सिंपली अ रिबन लाइक, और यू कैन से फ्लैट, और यू कैन यूज द वर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये फ्लैट है, लीफ लाइक है, और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। तो यहां पे जस्ट मैं लिख देता हूं फ्लैट, और हेलमिंथेस का जी मतलब होता है वर्म्स, ऐसे वर्म्स जो आपके इंटेस्टाइन में या आपके बॉडी में रहते हैं, ऐसे वर्म्स को हम हेलमिंथेस वर्म्स कहते हैं, ठीक है। सो दो फाइलम्स इससे रिलेटेड है, आई मीन हेलमिंथेस से रिलेटेड है। पहला फाइलम जो हेलमिंथेस रिलेटेड है वो है प्लेटी, और सेकेंड है नेमाटोडा, दैट इज एस्क हेलमिंथेस, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, राइट, और सिंपली यू कैन कॉल इट एज इट इज अ लीफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो बॉडी है, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट फॉर फ्यू, अनसेगमेंटेड बॉडी, एंड दे हैव स्मूथ बॉडी, अनसेगमेंटेड एंड स्मूथ बॉडी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दे कैन बी पैरासाइटिक, ठीक है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकता है या फिर पैरासाइटिक हो सकता है। तो फ्री लिविंग का मतलब वो खुद अपने आप से खाना ढूंढ के खा लेगा फ्रीली, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका मतलब होता है फ्रीली। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि जो किसी और को परेशान कर दे, या किसी और के न्यूट्रिशन पे खुद डिपेंड रहे, या किसी और का नुकसान करके खुद का फायदा करे, उसे कहते हैं पैरासाइटिक, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिक। बाल में जू हो जाते हैं ना, पैरासाइट है वो भी, राइट। बट जू वाला एग्जांपल यहां पे मत लिखना, यहां पे कोई जू वो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके पास कुछ एडेप्टेशंस हो जाते हैं, लाइक ये ऑर्गेनिजम्स या तो बॉडी के अंदर रहेंगे या तो बॉडी के बाहर रहेंगे, सिंपल। अगर बॉडी के बाहर कोई पैरासाइट होता है तो उसे हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्टो एक्टो पैरासाइट। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर है तो उसे कहेंगे एंडो पैरासाइट। सो पैरासाइट के भी दो टाइप्स हो गए, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। दोनों टर्म्स याद रखिए, आगे जाके हर एक किसी किसी फाइलम के अंदर आपको ये टर्म्स मिलेंगे एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स के बारे में, ठीक है। सो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्म्स है, पैरासाइटिक मैंने बोला, तो अगर ये पैरासाइटिक है तो इनके पास कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो जाएंगे जिसकी हेल्प से वो दूसरे के बॉडी में रह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पैरासाइट मुझ पर डिपेंडेंट है, मुझे हार्म कर रहा है, तो मैं उसके लिए होस्ट हूं, होस्ट, HOST, होस्ट। वो मेरे लिए पैरासाइट है और मैं उसके लिए होस्ट हूं, ठीक है। तो किसी भी होस्ट में जब ये पैरासाइट जाएगा
तो इसके अंदर कुछ फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई भी पैरासाइट जब ब्लड के अंदर आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉडी में कोई पैरासाइट है जो ब्लड के साथ साथ घूम रहा है, ठीक है, अब मेरा ब्लड इतने बार गोल गोल सर्कुलेट हो रहा है, मेरा हार्ट ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, और कंटिन्यूअसली जब ये ब्लड को पंप करते रहेगा तो जो पैरासाइट मेरे ब्लड में आया है वो चक्कर खा के वहीं मर जाएगा, है ना। तो यहां पे जरूरी है उस पैरासाइट के लिए कि वो एक पर्टिकुलर एक सूटेबल ऑर्गन को जाकर के चिटक जाए, एक सूटेबल ऑर्गन में अपना न्यूट्रिशन गेन करे, राइट। और इसीलिए इन पैरासाइट्स के पास कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उनका जो माउथ होता है माउथ में सकर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लाइक माउथ में कोई भी पार्ट को सक करने की एबिलिटी हो सकती है, या फिर उनके माउथ में कोई हुक लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ब्लड में गोल घूमते घूमते उनका जो फेवरेट ऑर्गन है जिसके लिए वो खास पैरासाइटिक है उस ऑर्गन पे जाकर के वो एक हुक फॉर्मेशन की हेल्प से वहां पे जाकर के अटैच हो सकते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये नहीं तो इनके पास कुछ स्पाइंस हो सकते हैं कि वो एक कांटे के जरिए किसी ऑर्गन में जाकर के रुक जाएंगे ताकि ब्लड फोर्सफुली उनको मूव ना कर सके। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो किसी ना किसी ऑर्गन, मतलब इनमें से किसी कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जो अपने माउथ से कुछ पर्टिकुलर सिक्रीशन निकालेंगे, चिपचिपापन, दैट विल बी एन एडहेसिव लिक्विड, एंड दैट एडहेसिव लिक्विड विल हेल्प देम टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। तो पैरासाइट्स के बहुत सारे अपने अपने एडेप्टेशन होते हैं, तो मैं यहां पे जस्ट लिख देता हूं कि दे हैव, इफ दे आर पैरासाइटिक, इफ दे आर पैरासाइटिक दे विल हैव सम एडेसिव ऑर्गन्स और एडेसिव पाथ्स, सच एज इनके पास स्पाइंस हो सकते हैं, हुक्स हो सकते हैं, देन सकर हो सकता है, ठीक है, देन एज आई सेड कि कुछ एडेसिव लिक्विड भी इनका बॉडी जो है प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं लिख देता हूं। तो ये मॉडिफिकेशन इनके बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो याद रहे कोई स्पेशल ऑर्गन इनके पास नहीं होता, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, देन मैं यहां पे लिखता हूं सर्कुलेशन, तो कोई सर्कुलेशन इनके बॉडी में नहीं होएगा, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इवन डाइजेस्टिव सिस्टम इनके बॉडी में एब्सेंट होता है, तो तीनों के लिए कॉमनली मैं लिख देता हूं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स के पास कोई भी सेंसरी ऑर्गन नहीं रहेगा। अगर कोई पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो अंदर जाने के बाद उसको आंखों की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अंदर कंप्लीटली अंधेरा है, बॉडी के अंदर कंप्लीटली डार्क है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास सेंसरी ऑर्गन जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेंसरी ऑर्गन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। खाना बना बनाया मिल रहा है और डाइजेस्ट करा हुआ खाना वो प्राप्त कर रहे हैं आपकी बॉडी से, तो ये निहत्ते खाने को डाइजेस्ट भी नहीं, मतलब खाने को डाइजेशन करने के लिए कोई इनके पास ऑर्गन नहीं है, तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, क्योंकि डाइजेस्ट करा हुआ खाना इनको मिल रहा है, सर्कुलेशन की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली सेल्स के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सो इनके बेसिकली इनके पास ये सारे एडवांस सिस्टम जो होना चाहिए वो सारे के सारे सिस्टम नहीं है, अलॉन्ग विद द सेंस ऑर्गन, ये सारी चीज की सारी चीजें इनके पास आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। देन बात करूं इनके जर्म लेयर्स की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, जब मैं बोलूं ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स,
एंड विच आर दोज थ्री लेयर्स, सो बीच वाला मेसोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म और बाहर वाला एक्टोडर्म, ठीक है। ये तीन लेयर से इनके बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। सिमेट्री की बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। इनके बॉडी को आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, कट कर सकते हो, दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। सो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर अ सोइलोमेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब नो कैविटी बिटवीन गट एंड आउटर बॉडी ट्यूब, आउटर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो इसके बीच में आपको कोई भी कैविटी नजर नहीं आएगी एंड इसी वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर अ सोइलोमेट ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो याद रहे जैसे हमारे पास किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स के पास कोई ऐसा स्पेशल मॉडिफाइड ऑर्गेन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, सो दे हैव अ टाइप ऑफ अ सेल एंड दैट्स कॉल्ड फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेम सेल कहा जाता है। और इसी फ्लेम सेल का नाम किसी किसी बुक में आपको मिलेगा प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कोई एडवांस नहीं होता है, जस्ट इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल। बात करते हैं अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि रिप्रोडक्शन इनके केस में कैसे होता है। सो रिप्रोडक्शन ऑफकोर्स क्योंकि ये थोड़े से ऑर्गेनिजम्स एडवांस हो गए तो इनके पास आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि यहां पे आपको मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं रिप्रोडक्शन उस तरफ कंटिन्यू कर लेता हूं। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और सेक्सुअल के बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं जो है यहां पे लिखता हूं इनका सेक्स ऑर्गेन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर हर्मैप्रोडाइट। मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे इनके फर्टिलाइजेशन की तो इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल क्या होता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि किसी एनिमल ने अंडे दे दिए, देने के बाद मेल एनिमल आकर के उसके ऊपर स्पर्म को रिलीज कर देगा बॉडी के बाहर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग के केस में स्पर्म जो है डायरेक्टली ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर जाता है, वुमेन्स के बॉडी के अंदर जाता है, तो फर्टिलाइजेशन यहां पे बॉडी के अंदर हो रहा है। अंदर होना मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप इसका मतलब समझ सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली स्पर्म फीमेल के बॉडी में, या फिर खुद अगर ये हर्मैप्रोडाइट है तो खुद के ही बॉडी में रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके पास ये प्रोसेस या मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है कि खुद से ही रिप्रोड्यूस कर सकते, दूसरे पार्टनर की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको जैसा कि इधर बताया था कि सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है तो पॉइंट भी लिख देता हूं। देन सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट,
ठीक है, या वहीं पे भी कंटिन्यू कर सकते हो इस पॉइंट को। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने बताया सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो बात करेंगे तो इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो डेवलप तो होता है बट हाईली डेवलप नहीं बोलेंगे। ठीक है, डेवलप्ड होता है बट इट इज नॉट हाईली डेवलप्ड। देन दीज ऑर्गेनिजम्स दे हैव हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। ठीक है, इनके पास हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन होता है। अच्छा, और यहां पे एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये जो होस्ट होते हैं, आई मीन जो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं, एक्चुअली इनका लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल टेनिया सोलियम करके आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं भी सुना है तो आज सुन लीजिए। टेनिया सोलियम ऑर्गेनिज्म है जो प्लेटी हेलमिंथिड से बिलोंग करते हैं, चपटे होते हैं, लंबे होते हैं, काफी लंबे होते हैं। ये पिग की बॉडी में से, जब पिग को जो लोग खाते हैं, ठीक है, पिग की बॉडी से अनकुक्ड फूड जब ह्यूमन की बॉडी में आता है तो ये आधा लाइफ साइकिल उसके बॉडी में, आधा लाइफ साइकिल अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी से वापस वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, फिर वो पिग उस पर फीड करता है, फिर उससे वापस पिग के बॉडी में जाएगा और इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होता है। सो दे हैव अ हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन एंड एज आई सेड कि इनकी, इनका जो लाइफ साइकिल होता है, इनके लाइफ साइकिल को कितने होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है जी? सो टू होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको दे दिया, एंड दैट इज टेनिया सोलियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो फेसियोला, दैट्स कॉल्ड लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक लीवर में रहता है, ठीक है, शिप का लीवर फ्लूक अलग होता है, कैटल का अलग होता है, हर ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब हर नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लूक होते हैं। ठीक है, तो लीवर फ्लूक क्या करता है, लीवर फ्लूक जो है ये किसी भी एनिमल के लीवर में जाकर के रहना पसंद करता है और वहां से ब्लड को सक करता है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ जो आपने टेंथ में स्टडी किया था, प्लेनेरिया। तो इवन प्लेनेरिया जो है ये इसी के चपटा होता है, तो ये इसी में आता है, प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है। ठीक है, और ये भी प्लेनेरिया तो फ्रेश वाटर में, पानी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, एकदम पतली पतली जो नदियां बहती हैं, मतलब पहाड़ों के बीच में से बहती है, वहां पे मिल जाएगा, पॉन्ड में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर के अंदर आपको प्लेनेरिया मिल जाएगा। बाकी ये जो दो चीजें हैं ना, ये पैरासाइटिक है।